इसी तरह से एक कलाकार का नशा सिर्फ और सिर्फ आप सबकी तालियों में होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके सामने एक ऐसे कलाम को पेश करने जा रहे हैं जो न सिर्फ अल्लामा इकबाल की मशहूर शायरी है बल्कि हर इंसान को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाने का पैगाम भी देता है। सितारों से आगे जहां और भी है, ये वो अल्फाज है जो हमें नए आसमानों को छूने, नई मंजिलों को पाने में और अपने इरादों को और भी बुलंद करने का जज्बा देते हैं। सबसे पहले मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस बेहतरीन तरीके से आज के इस प्रोग्राम को अभी तक रिप्रेजेंट किया है। इनके जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनको भी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है। ऐसा नजारा देख रहा हूं जहां पर बच्चों का एक ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और ऐसे प्रयास कश्मीर वैली में, हमने जम्मू में भी देखे लेकिन कश्मीर वैली में जिस तरह से इस तरह के प्रयास हो रहे हैं जहाँ पर नए बच्चों की खोज जो है वो संगीत कला में हिस्सा ले रही है। जैसे हमने बाहर भी देखा एक बच्ची ने अपनी कला प्रदर्शन किया है। आज का प्रोग्राम जो है, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप सभी काम धाम छोड़ के यहाँ हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हमारी एक कोशिश है जो आपने देखी होगी, हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो यूथ इस वक्त बुराई की ओर जा रहा है, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम हमने मुनक्कद किया जिसका जो स्लोगन है, सदाए साज विद स्लोगन स्टॉप ड्रग्स ड्राइव स्लो एंड प्लांट ट्रीज। तो ज़्यादा हमने इसी पे बात करनी चाहिए। हमारे जो गीत यहाँ पे पेश हुए आपने देखा सुना होगा, तो उनमें भी यही इसी चीज़ का जिक्र किया, इस चीज़ से दूर रहा जाए। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है, मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पता नहीं कमेंट में क्या क्या लिखने जाएंगे, लेकिन मैं उनके लिए ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप लोगों को जो करना आप कीजिए, हमें अपना काम करने दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूथ के साथ ज़्यादा वाबस्ता हूँ, बच्चे किस बुराई की ओर जा रहे हैं, तो किसी ना किसी वजह से बच्चों को रोकना है, बस यही कोशिश है हमारे इस प्रोग्राम की। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह मैं जितना मेरे से हो सका मैं कर दूँगा, और मैं कल्चर अकेडमी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमेशा हमें ताउन देते और हमें बहुत ही हेल्प हो जाती है उनसे। हमारे आपने देखा होगा बड़ा ऑर्केस्ट्रा करीबन 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा के बच्चे। तो मैं, मेरी ये कोशिश है, मैं वालिदैन से भी यही गुजारिश है कि बच्चों को, बच्चों पे नज़र रखी जाए कि बच्चे का किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और बच्चों को भटकना नहीं दें, बस यही हमारी कोशिश है। थैंक यू वेरी मच। आज ये श्रीनगर के टाइगर हॉल में जो प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, ये एआर स्टूडियो और कल्चरल एकेडमी की इश्तराक से हुआ है। इसमें बच्चों ने कल्चरल एकेडमी के और उनके इश्तराक से यहाँ पे वो एक म्यूज़िक कंसर्ट उन्होंने रखा है जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने टैलेंट का इजहार कर रहे हैं, और इसका मकसद, इसका स्लोगन जो है वो है स्टॉप ड्रग्स और स्लो ड्राइव और प्लांट ट्रीज। यानी ये ऐसे तीन मुद्दे हैं जो इस वक्त सोसाइटी इनसे जूझ रही है। हमने जो एदादी शुमार हमने देखे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 8% आबादी जो हमारी है वो ड्रग्स में मुलवस है। इसी तरह से हर साल तकरीबन 950 लोग एक्सीडेंटों की बेल्ट चढ़ते हैं और अपनी जानें गंवाते हैं। तो और माहौलियात का आपको पता ही है कि इस वक्त माहौलियात का कितना बुरा असर है, जो लोगों के जो क्लाइमेट चेंजेस है, पानी का बहुत कम लोगों को मैसर है। तो ये तीनों ऐसे स्लोगन हैं, ऐसी तीन चीज़ें हैं जो सोसाइटी को खुद ही ठीक करनी होगी। हमें अपने बच्चों को ड्रग से बचाना होगा, हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग खुद करनी होगी, हमें उनके जो दोस्त हैं, जो उनकी सोसाइटी जिसमें वो उठते बैठते हैं, जिसमें वो काम करते हैं, जिसमें वो पढ़ते हैं, हमें उस पर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। इसी तरह से जो हम अपने छोटी उम्र के बच्चों को स्कूटर देते हैं, बाइकें देते हैं, गाड़ियां देते हैं चलाने के लिए, उसका नतीजा ये होता है कि वो इमैच्योर होता है, उस बेचारे को नहीं पता होता है। तो पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें ना दें ताकि वो एक्सीडेंटों से बचे, क्योंकि 950 का फिगर हर साल
बहुत बड़ी फिगर है इस एक छोटी सी रियासत के लिए। तीसरा जो प्लांटेशन का इसमें एक इशू था, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम ट्रीज़ को प्लांटेशन करें यहाँ पे अपने गार्डन में, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है वहाँ वहाँ पे हम ट्रीज़ को। अब तो ये अच्छा प्रोग्राम है, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और मुलाजमीन जम्मू कश्मीर की तरफ से ऐसे इनिशिएटिव को हम अप्रिशिएट करते हैं। हमें ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और बच्चों को पता चले कि उनका मुस्तकबिल इन बुराइयों से बचने में ही है। अगर वो इन बुराइयों में मुलव्वस हो गए तो उनके लिए मुस्तकबिल फिर कुछ भी नहीं है। तो आज इस प्रोग्राम का यही मुद्दा मकसद था, जो बहुत ही बेहतरीन था और हमें ऐसी इनिशिएटिव लेनी चाहिए।